औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने वीडियो अपलोड की जिसमें हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया, उसके बारे में जाना और उसका स्टेटमेंट सब कुछ हमने आपके सामने पेश किया और उसे एक्सप्लेन किया। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ और इसके स्टेटमेंट, इसके डेरिवेशन, इसके हमें क्या कहना चाहता है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह न्यूटन थर्ड लॉ। तो आइए सबसे पहले न्यूटन सेकेंड लॉ को समझते हैं कि क्या हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो आइए समझते हैं इसको इसके स्टेटमेंट पर। पहले नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन एंड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर जो नेट फोर्स हम किसी भी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम जब फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और इन दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी है, यहाँ हमने पीछे से धक्का लगाया, जोर लगाया यानी फोर्स लगाई तो 5 न्यूटन की, तो ये गाड़ी आगे की तरफ मूव हुई, आगे की तरफ मूव हुई यानी फोर्स, जिस तरफ से आपने फोर्स लगाई उसी तरफ गाड़ी ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। यही हमसे न्यूटन सेकंड लॉ हमसे यही कहता है कि जिस तरफ आप फोर्स लगाओगे उसी तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। मिसाल के तौर पर हमने लगाई फोर्स नॉर्थ की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन भी यहाँ नॉर्थ की तरफ ही आ रहा है, यानी अगर फोर्स नॉर्थ की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन भी नॉर्थ की तरफ ही प्रोड्यूस होगा, यानी डायरेक्शन भी इनका सेम होगा और जिस तरफ आप फोर्स लगाएंगे तो इन दोनों का जो डायरेक्टली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना फोर्स लगाओगे उतना उसी तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। आइए आप इसके डेरिवेशन को समझते हैं। इसका डेरिवेशन हमसे कहता है कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेट हमारे पास क्या है। नेट का असल मतलब है प्लस एंड माइनस। मिसाल के तौर पर आपको हुकूमत की हुकूमत से 50,000 रुपये माना सैलरी मिलती है और उसमें 3,000 आपका आपसे टैक्स कटता है, माइनस 3,000, फिर आपको 6,000 आपको अलाउंस भी दिया जाता है यानी प्लस 6,000, तो यहाँ माइनस भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है। अगर इसको हम माइनस 50 माइनस 3 एंड प्लस 6 करें तो 53,000 हमारे पास बन जाता है। तो इस तरह कहते हैं प्लस और माइनस जो हमारे पास आई इसी को नेट कहते हैं, यानी नेट। नेट फोर्स प्लस में भी यानी फोर्स माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, आप समझते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस साइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हम हटाते हैं तो उसके बाद हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और इसके बाद कॉन्स्टेंट यानी कॉन्स्टेंट का लगाना जरूरी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के बाद। आप समझते हैं कि एफ क्या है, एम क्या है और ए क्या है। तो ये वेयर F is equals to net force, ये F जो हमारे पास दिया हुआ है ये net force है, जबकि M जो दिया हुआ है, M हमारे पास है mass of a body, यानी ये एक body है, suppose कर लो एक body है और ये इस पर हमने लगाई force, force लगाने की सूरत में यहाँ पे acceleration produce हुआ, यानी F और acceleration, तो इसी से हमारे पास ये Newton second law खत्म हुआ इस तरह कि किसी चीज पर आप force लगाते हैं तो उस चीज में acceleration produce होती है और इन दोनों की direction एक तरफ होती है। अब आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ। तो न्यूटन थर्ड लॉ को समझते हैं। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट, टू एवरी एक्शन ऑफ फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ फोर्स, यानी हर रिएक्शन, हर फोर्स के हर रिएक्शन पर आपको उसका रिएक्शन जरूर मिलेगा, जितना भी आप फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट रिएक्शन जरूर होगा। मिसाल के तौर पर आप अगर जमीन पर चलते हैं तो आपका भी आप एक फोर्स से एक मतलब वजन है, वजन करते हो तो एक फोर्स से जमीन की तरफ और एट द सेम टाइम ग्रेविटी आपको अपनी तरफ खींचती है, तो दो फोर्स लग रहे हैं यानी अपोजिट। या अगर आपका सिर्फ ग्रेविटी यहाँ पर लगी जाए और आपका कोई फोर्स ना हो तो आप जमीन के अंदर ही चले जाओगे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो होगा ही नहीं। एट द सेम टाइम फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है, आप उसे खींचते हो, इसके अंदर इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो आप वापस अगर छोड़ते हो तो बैक फॉरवर्ड चले जाता है। तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ की एक एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ जो था वो इख्तिताम पजीर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। एंड थैंक यू, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।